अरे योगी आदित्यनाथ आए तो क्या बोल गए कि सिमरिया को अभय प्रदान करो। कांग्रेस पार्टी की सरकार लगभग पूरे प्रदेश में बन गई। सिमरिया हमारी 25,000-30,000 वोट से अंतर से जीतेगी। मैं भाजपा को शिवराज को संदेश देना चाहता हूँ, शिवराज जी को, कि बहुत दिन छल और माया काम नहीं करती। रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने रोड शो किया और जनता से कांग्रेस के पक्ष में जनसमर्थन मांगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जोर जोर से प्रचार में लगे हैं और रीवा जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही सिमरिया विधानसभा में आज कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने अपनी पत्नी एवं पूर्व विधायक नीलम मिश्रा सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएंगे। इसी को लेकर इस रोड शो के दौरान अभय मिश्रा ने 17 नवंबर को होने वाले मतदान में जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ की सभा को लेकर पूछे गए सवाल में कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने कहा कि योगी ने सिमरिया की जनता को कहा है कि सिमरिया की जनता अभय को दान दे। वही हमारी रिपोर्टर विजय तिवारी से बात करते हुए अभय मिश्रा ने कहा, तो हो नहीं रहे अंतिम दिन है चुनाव का, कैसा जनसमर्थन मिला है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी की सरकार लगभग पूरे प्रदेश में बन गई। सिमरिया हमारी 25,000-30,000 वोट से अंतर से जीतेगी और एक ही संदेश है कि सिमरिया को फिर से गढ़ना है, उसको जो रुक गई थी सिमरिया, और अपराध मुक्त भयमुक्त बनाना है और यहाँ के बच्चों को रोजगार देना मेरी पहली प्राथमिकता। मैं भाजपा को शिवराज को संदेश देना चाहता हूँ, शिवराज जी को, कि बहुत दिन छल और माया काम नहीं करती। योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया है, कितना असर पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया है। अरे योगी आदित्यनाथ आए तो क्या बोल गए कि सिमरिया को अभय प्रदान करो। वो भी अपने आदमी है, अपने काम कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।